जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दूंगा शास्त्र से संबंधित ज्ञान, कैसे पवित्र हो, पवित्रीकरण मंत्र क्या है, क्या स्नान करने की आवश्यकता होती है, ऋषि मुनि भी क्या प्रतिदिन स्नान करते थे, क्योंकि वो तो कई वर्षों तक, महीनों तक, दिनों तक तपस्या करते थे, तो ऐसा क्या मुद्रा है, क्या मंत्र है जो जपने से आप पवित्र हो सकते हैं, स्नान की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप अपने सभी तत्वों को इन चार मंत्रों के द्वारा पवित्र कर सकते हैं। जल हाथ में लेकर दाहिने हाथ में गंगा जल हो या कोई भी नदी का पवित्र जल हो, आप लेकर मंत्र बोल सकते हैं। ओम आत्म तत्व शोधयामी नमः। ओम ह्रीं विद्या तत्व शोधयामी नमः। ओम क्लीं शिव तत्व शोधयामी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्व शोधयामी नमः। यह चार मंत्र है, इनको आप जपिए तीन बार, एक बार यथाशक्ति आप जप सकते हैं। फिर जो जल है उसको आप अपने वस्त्रों पर, अपने शरीर पर, अपने आसपास आप छिड़क सकते हैं। इससे आपके सभी तत्व, आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व परम पवित्र हो जाएंगे। भगवान में आपकी रुचि बढ़ेगी, ध्यान में आपकी आसक्ति और बढ़ेगी, आपको सकारात्मक ऊर्जा का एहसास दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा, स्नान की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब एक और जो मंत्र दिया गया है वो भी आप जप सकते हैं। वह भी जपने से आप अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। जल हाथ में लेकर दाहिने हाथ में जल लीजिए और ओम ऐ पवित्र ऐ पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो भी वा यह स्मरेत पुनरेकाक्षं सह बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए और उल्टी दिशा में हाथ धो लीजिए, इससे भी आप परम पवित्र हो जाएंगे। या जल ना हो, आप मंदिर में हो या आपका पूजा करने का मन कर रहा है, आप किसी भी क्षण पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तो कैसे पवित्र करें, तो इसके लिए शास्त्र में जो मुद्रा बताई है मैं आपको बताता हूँ। दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली और अंगूठा आप अपने दाहिने कान को स्पर्श कीजिए। इससे आप इस मुद्रा को करने से आप कैसे भी हो परम पवित्र हो जाएंगे और आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे मैंने बताया क्योंकि कलयुग है, कलयुग में आप कभी भी पूजा पाठ कीजिए, परम पवित्र फल उसका मिलता है। यदि आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बिस्तर पर या आसन आप बिछाइए और उस पर यह मुद्रा बनाकर और ये चार मंत्र दिए हैं, कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के क्या फ़ायदे हैं मैं कभी आगने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैंने ये पवित्रीकरण के मंत्र आपको बताए हैं, ये आप कभी भी जप सकते हैं, कोई भी वेला में जप सकते हैं और इसका आप अद्भुत लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो थे पवित्रीकरण के मंत्र थे, मुद्रा थी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास पहुँच सके और ब्रह्म मुहूर्त का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि सभी तत्व शुद्ध होंगे तो सब कुछ सही होगा, सकारात्मक दिन गुजरेगा, सकारात्मक एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, आपके अनुसार कार्य होने लगेंगे। दोस्तों, आगे और जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर संख्या बढ़ाएँ ताकि मैं और भी अपने मेहनत द्वारा अर्जित, शास्त्र द्वारा अर्जित ज्ञान आपको पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।